ना अंग्रेजी गिट पिट से ना चाइना के मोबाइल से। अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। अरे खट्टा मीठा मजेदार लव इन गुलशन है बिहार। वो बहुत अच्छा खानदान का है, वो हम लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा, वो अच्छे खानदान का है और हम बुरे खानदान के ने? वो आप लोगों का ख्याल रखता है और हम नहीं रखते ने? तो ठीक है, वो कोई घर में रखिए, हम जा रहे हैं। अब तो हैप्पी होंगे ना तुम दोनों, चलते हैं। भैया, ए भैया। अरे का है बेबी, आज आप हमरे कमरे में, हमरे कमरे की तो किस्मत ही जाग गई है। भैया तो आप अपना कमरा में होते ही कब हैं, और जब होते हैं तो अपना कमरा बंद के रखते हैं, पता नहीं कौन से इबादत करते हैं आप। अरे बेबी तुम ना ही समझोगी, हम वो इबादत करते हैं जिस इबादत को अल्लाह मियां भी पसंद करते हैं। सच्ची भैया आप कमरा बंद करके इबादत करते हैं? अरे छोड़िए इसको, ये बताइए कि आपको क्या काम है उसे? हाँ ना भैया, बहुत जरूरी काम था हमको। अरे बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, बोलिए ना क्या काम है। भैया आप अम्मा को समझाइए ना, वो हमारे पीछे पड़ गई हैं हाथ धोके कि शादी करो शादी करो। ये अल्लाह, तो अम्मा का हमको समझ में नहीं आता, पहले हमारे पीछे पड़ी थी अब आपके पीछे पड़ गई हैं। हमको तो लगता है अम्मा को शादी का दफ्तर खोल लेना चाहिए और शुरुआत वो अपने घर से करें, तोहरी और हमारी शादी करवा के। का मतलब भैया? अब पहले हमारे शादी के पीछे पड़ी थी, अब तोहरी शादी के पीछे पड़े। वैसे एक बात बताइएगा, हमारी शादी का तो उम्र हो गया है तो हमारे पीछे पड़िया ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी का अभी क्या जरूरत है, अभी तो तुम हमसे 5 साल छोटी है भाई। भैया ये जो मोहल्ले की औरत लोग है ना, यही अम्मा का दिमाग खराब किए हैं। अरे आप टेंशन ना ही लीजिए, अम्मा का दिमाग ठीक करना हमको अच्छे तरीके से आता है, हमारे पास उनका कमजोरी है। अच्छा फिर जल्दी से ना अम्मा का दिमाग से शादी का कपड़ा निकाल दीजिए आप। फिक्र ही नहीं कीजिए, अब आपका भैया जिंदा है, अभी हम सब कर देंगे, जाइए। सच्ची सच्ची का मुच्ची, जाइए, हमका कुछ काम कर रहे थे, हम काम करने दीजिए। सन्नो जाइए, आपके मजाजी खुदा आए हैं, आपको बुला रहे हैं। शादी नहीं हो रही तेरी। अका हो गया भाई, जवाब काहे नहीं दे रही हैं? सन्नो हम कह रहे हैं, वो बुला रहे हैं तुमका। हमको कहीं नहीं जाना है। कल तक तो बड़ी खिदमत गुजार बीवी बन के उनका खिदमत कर रही थी, आज का हो गया? मुनी हमारा दिमाग मत चाटिए, हम बोल दिए ना हमने नहीं जाना है तो हमने नहीं जाना है। आप कौन होती है हमको बोलने वाली? क्या हुआ सन्नू, सब ठीक है ने? कल लड़के गए थे तुमसे? उनमें कौन सा नया बात है, वो कब हमसे झगड़ा नहीं करते हैं, मगर आज वो जीसान से झगड़ा करके गए हैं। जीसान से? जीसान उनका क्या बिगाड़े हैं? वो जीसान हमसे बात कर रहे थे तो नौसाद आ गए, वो हमको उसे बात करते देख लिया और कहते हैं कि हमारी बीवी से ज्यादा फ्री होने का जरूरत नहीं है। तौबा है, बहुत बगैरत है भाई, अपनी तरह लफंगा समझते हैं सबको, कहा सोचता होगा जीसान भी। अच्छा सनु अभी तो जाओ, वो तुम्हारा वास्ते गजरा वजरा लेके आया है, लगता है तुमको मनाना चाह रहे हैं। मुन्नी हम आपको बोले नहीं, हमने नहीं जाना। अब जाइए यहाँ से, वरना वो कमीना इधर आ धमकेगा और हमको सोना है। आप जाइए, उठिए यहाँ से, जाइए। ओ यार ये क्या हो गया? ये कौन आ गया? काफी अच्छे के बाद तुमको रोमांटिक होते हुए देखा। आज हम बहुत खुश है बदरुद्दीन साहब, हमारा मुराद पूरा हो गया ने। अरे का तुमको बुटीक का को बहुत बड़ा ठेका मिल गया, का ऑर्डर मिल गया? ऑर्डर ना ही मिला, जो हमको मिला है ना वो आपको दिखाना चाहते हैं ने। कतरी का खत मिल गया का? हमको कोई खतवत नहीं मिला है, हम तो आपको एक चांद सा चेहरा दिखाना चाहते हैं। अरे भाई जब हमारे सामने चांद मौजूद हो तो किसी को देखने का जरूरत का है? हटिए ने, आपको तो हर वक्त मजाक सोचता है। हटने को दिल न कर रहा है नु। अभी आपको हम जो चेहरा दिखा रहे हैं ना वो चांद के चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, दिखाओ। कैसी लगी? सुभान अल्लाह,
चांद का टुकड़ा लग रहा है। जो हमको पसंद हो वो आपको पसंद ना हो, ये कैसे हो सकता है ने? जानते हैं आप ये को दुल्हन बना के घर में लाने वाले हैं। अरे इतना बड़ा दिल कर लिया है समीम अख्तर तुमने कि अपना सौकन को ले आओगे घर में? सौकन का लाएंगे, ये को बहू बना के घर में लाएंगे। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं, शर्म नहीं आती। इतना बड़ा प्रोजेक्ट घर में पड़ा है, ये का खागी, का पिएगी, का सोएगी, फ्रूट का मिलेगा, कोई सोचता ही नहीं है। अरे ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया, डाल देंगे हम तो ऊपर ही गिर जाएंगे, गिर के मार देंगे आपको। अरे जूते लाइए। ए मुन्नी कहाँ है अम्मा? जरा जाके तो सन्नो को देख, काफी देर हो गया है। अपने हाथों से निवाले बना बना के खिला रही होंगी अपने सौहर को। तो भाई तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। तो और क्या कहें अम्मा, खाना ही तो खिलाने के लिए गई है ने। अरे तो बहुत देर हो गया है ना, जाके देख ले। अम्मा मैं ना ही जा रही दोनों मियां बीवी के बीच। सन्नो, ओ सन्नो, समझा कीजिए ना अम्मा। वो नुसतवा गजरा वजरा भी तो लाए थे ने, उनको पहले पहनाए होंगे, फिर प्यार मोहब्बत का बात किया होगा, फिर गई होंगी बवर्ची खाने में। अरे तो अच्छा है ना भाई, अपना मियाँ से सुलह कर ले और जाए यहाँ से, हमरे सर से तो मुसीबत उतरे। ऐसे खाब ना देखिए अम्मा, हाथी का दांत खाने का और दिखाने का और। नुसतवा को पहचानना बहुत मुश्किल है अम्मा, वो है कुछ और, नजर कुछ और आता है। अरे का पता मम्मी, अल्लाह नेक अकल दे दे। दे ही दे, अल्लाह मुसीबत से जान छुड़ाए। बाबू ऑफिस जा रहे हैं इतना जल्दी? हाँ मैं कल छुट्टी हो गया था ना, आज बहुत काम होगा इसलिए जल्दी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हम नाश्ता बना दिए हैं, आप जाइए माते। अरे वो बात कहनी थी, हमारा बहुत पुराना दोस्त है ना, वो सऊदी से आई है, वो हमको बुला रही है ने। तो आप जाके मिल लीजिए, हमें काहे बता रही है? वो सबको बुला रही है ने। तो एक काम कीजिए ना, बेबी और अब्बा को ले जाइए, वो फारिग होते हैं, हमको बहुत काम है, हम नहीं जा सकते, हम जा रहे हैं अभी, अल्लाह हाफिज़। कितना बदतमीजी से बोल रहा है, शर्म भी नहीं आती, कोनो बंद किए इनको, माँ के साथ ऐसा बदतमीजी करते हैं, समझ ही नहीं आती कहाँ जाए। तोबा है, कितना जोर से खराटा मारता है, पड़ोसी का नींद भी हराम हो जाए। मेहनत मजदूरी करने वाला ऐसा होता है, सुबह सुबह उठ के काम पे जाते हैं। मुन्नी ठीक बोलते हैं, कई सुधरने वाला नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम बेटा, सुबह सुबह तुम बाजार गए थे का? आंटी ये मैं मछली लेके आया हूँ। तुम मछली लेने गए थे इतना सुबह सुबह? अरे नहीं नहीं, बाजार से नहीं लेके आया मैं। बाजार से नहीं लाए तो फिर कहाँ से लेकर आए हो? वो असल में आंटी मेरा एक दोस्त है जो मछली के शिकार पे जाता है, तो वो ला के दे देता है। शाजिया ना खाती है मछली ना पकाती है, तो मैं किसी को दे देता हूँ। हाय, शाजिया मछली ना ही खाती, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जी आंटी अब नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत शौक से खाता हूँ, और इसलिए ले आया कि आप बना लेंगी तो मैं भी खा लूंगा। हाँ हाँ जरूर, हम बना देंगे और तुम्हारा लिए फ्राई भी कर देंगे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, खाला मक्का बात है भाई, बहुत मोहब्बत चल रहा है मुंह बोले बेटे और माँ में ने, हैं? फालतू बात मत कीजिए, वो मुंह बोला है पर तुमसे लाख गुना अच्छा है। बुढ़िया को मिर्ची लग गई ने, चाय तो पिला दें या वापस जाएं ख्वाबों की दुनिया में। अम्मा अम्मा समो अम्मा समो अम्मा, क्या हुआ अम्मा? बेबी पानी का गिलास लेकर जल्दी से पानी। अम्मा अरे समो, अरे लव इन गुलशन बिहार, लव इन गुलशन बिहार।
शादी है, बच्चों का खेलना ही है कि हम सो रहे हैं, आपने हमको उठाया, बोला कि तुम्हारा बराबर हम साथ चल दें, पागल है काम? ठीक कह रहे ना बाबू। अरे भाई, ना तुम लड़की दिखाया, ना फोटो दिखाया तुमने, ना कोई बातचीत किया, ऐसे जाकर इस तटाई कर दिया, तारीख ले लिया। आए हमरो बाबू कितना प्यारा लगे ना रूटे रूटे से। हमरो बाबू हमसे वादा किए थे ना, ये बोल रहे थे कि जब भी हम शादी करेंगे अपनी अम्मा के पसंद के करेंगे, इसीलिए थोड़े ना बोल रहे हैं। देखिए, हमने आपसे कोई वादा नहीं किया था, और अगर किया भी था तो अभी तोड़ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। ये सख्ती तुम इसलिए कर रहे हो ना, तुमको मालूम है ना अचार वाला की लड़की के पीछे कर रहे हो, सब जानते हैं हम। उही के लिए कर रहे हैं सब कुछ। सुन लीजिए कान खोल के आप लोग, देखिए अम्मा, आप इस किस्म के बातों को बंद कर दीजिए, नहीं तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, सारी उम्र आप हमारी शक्ल देखने को तरस जाएंगे, हम बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं आप। अरे ऐसा बात ना करो बाबू, गलत बात है, हम तुम्हारी अम्मा को समझा देंगे। समझा दीजिए, अच्छे तरीके से समझा दीजिए अम्मा को, कि आइंदा अगर ये हमारी शिकायत लगाने खाला के घर गई ना, तो उस दिन इस घर में हमारा आखिरी दिन होगा, बता दे रहे हैं। पानी का गिलास लेकर जल्दी से पानी। अम्मा, अरे सम्मो, अरे उठ जा ना भाई, काहे ड्रामा कर रही है। तुम्हारी माँ जो छिड़काव कर रही हो, अरे आप मजाक करते रहते हैं, इधर लाइए हमको, हम खुद पानी छिड़कते हैं। अम्मा अम्मा उठिए, अम्मा पानी है, अरे पानी पानी पानी, लो खुद ही पानी छिड़कने को कह रही है। अरे छिड़कने को ना ही, पीने को कह रही है। अम्मा हम पानी लेके आते हैं, इसमें हमारा हाथ चला गया है, हम पानी ला रहे हैं। अरे पानी पानी हमको नहला कह रहे थे। अरे सम्मो, नहलाने का तो बात का काम है, पहले ये तो हो जाओ। अब्बा ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे हमारे मजाक से तो तिल मिला के उठी हैं। हमारा नहलाने का ख्वाहिश आपका पूरा ना होगा? होगा ना, ऐसे कैसे हो? कोई नहीं कोई नहीं, हम जला देंगे। माँ ठीक है ना? हम ठीक है, शमशान घाट लेके जा रहे हैं हमको। अरे क्या करे खाला, अम्मा सन्नों का तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता है ना, तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जाने थे कि आपको ये बातें अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, आदत से मजबूर है ने। अरे तो ये आदत छोड़ काहे नहीं देते? अरे ये बुरा आदत नहीं है खाला अम्मा, ये हमारा प्यार है, प्यार जो हम अपनी सन्नों से करते हैं। प्यार करते हो तो इसका ख्याल भी रखा करो, ये जरा जरा सा बात पे इस पे शक करते हो, जानते हो इसका कितना बुरा असर पड़ता है, ये रो रो के अपना जान हलकान कर लेती है। खाला अम्मा टेंशन मत लो, अब हम अपनी सन्नों का बहुत ख्याल रखेंगे, इके लिए तो हम नौकरी पकड़े हैं, ताकि इके दिल के हसरते पूरे हो सके। हमरा हसरत पूरा कर तो देते हैं आप, उनको मार मार के। सॉरी, देख रहे हो खाला अम्मा, तुम्हारी बेटी को अभी तक नाराज है हमसे ने? अरे भाई तुम जानो और ये जाने, एक दूसरा का साथ रहना है तो एक दूसरा को बर्दाश्त करो। जा रहे हो खाला अम्मा? हाँ। छोड़िए हमरा हाथ, हमको बावर्ची खाना में काम है। अरे का काम है, सौहर के खिदमत से बढ़ के कोई काम है नहीं, आइए बैठिए इधर। खिदमत कर तो रहे हैं, इन आस्था दिए तो हैं बना के। मैडम का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुए ने, एक निवाला हमारे हाथ से भी खा लो ने। हमको नहीं खाना। अरे इतने प्यार से बोल रहे हैं खा लो ने, चलो हम खुद ही खिलाते। ख्वाहिश तो हमार पूरा कर दी, अब थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे भाई के। ऐसा खराटे ले रही है जैसे पानी का मशीन चल रहा है, कैसा घड़ा घोड़े की तरह सो रही है।
इतना गहरे नींद ना ही सो रहे, आपका बात सुन रहे हैं। कैसी हो? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ? ये बताइए पहले आप क्या बोले थे? नहीं नहीं, वो जो हम कह रहे थे ना। अरे वो हम तुमको थोड़ी कह रहे थे, वो बक्सू नहीं है बक्सू, वो गधे घोड़े की तरह खाता है, वो चाय के साथ बिस्किट का भी ऑर्डर देता और एक चक्कर में खत्म कर देता। आपके पास बहुत मुफ्त का पैसा आ गया ना, जो ऊपर उड़ा रहे हैं आप। अरे क्या करें, वो घर में बक्सू का झगड़ा हो गया, उसकी बहू ने उसको घर से निकाल दिया, वो बेचारा भूखा था, इसलिए उसके लिए मंगा लिया हम। उसका बहू बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अड़ियल बेटा थे। अच्छा ये बताओ तुम्हारा तबीयत अब कैसा सेट है? हमारा तबीयत ठीक है, कुछ कुछ ना ही ठीक। कहो। एकदम सही नहीं लग रहा बाप के डैडी, हमको ना दिल में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। उए उए। और हमको डर लग रहा है कहीं हमको दिल का दौरा हो रहा ना पड़ गया। ओहो, अरे दौरे का ही मजाल कि तुम्हारे दिल पे चढ़ जाए वो तो दब के मर जाएगा। और चलो गुस्सा ना करो डार्लिंग, हम तो कॉमेडी कर रहे थे कॉमेडी। हाँ वो याद आ गया, वो बेबी ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। किस चीज का? वो बैगन बचा था उसी का बना लिया। बैगन का तो भुरता बनता है, सूप ना ही बनता। इतना मार कह रहे हो, ज्वाइन कर ले हो। ये लो आ गया तुम्हारा सारा सामान, मुझे भेज देते हैं चिक चिक करने के लिए। क्या बात है, सुबह से मुंह बनाए बैठे हुए हो, क्या भाभी से बात बात नहीं हुई आज? वो क्या खाक बात होगी, वो पहली मुलाकात भारी पड़ गई यार। अबे हाँ यार, तेरे साथ तो बड़ा अजीब ही हुआ, पहली ही डेट और उसपे अम्मा ने पकड़ लिया। ओ पकड़ा तो पकड़ा, वो उसके पीछे पड़ गई कि शादी कर लो, वो रोज रोज नए रिश्ते दिखा रही है यार। अबे नहीं यार, क्या बात कर रहा है, वैसे तुझे कैसे पता ये बात? वो शबाना ने खुद बताया है। मगर यार तू तो कह रहा था कि उसका फोन नहीं आ रहा। ओ यार आज ही सुबह फोन आया था, उसकी अम्मा बीमार थी ना, उसको मौका मिल गया फोन करने का। अबे ऐसी माँ को तो बीमार ही रहना चाहिए हर वक्त। ओ यार बड़ी जालिम है उसकी माँ, वो उसका फोन छीन के रख लिया था, वो आज ही मिला है यार। यार ये वैसे बड़ी सीरियस बात है, फान तुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो तू ही बता यार मैं क्या करूँ। अबे मासी से बात कर, रिश्ता भेज उसके घर यार। वो अम्मा तो कयामत तक नहीं मानेंगी, वो तुझे तो पता है यार वो मामू से बात कर रखी है मेरे रिश्ते की। तो फिर एक काम कर, कर ले अपने उस मामू की जट बेटी से शादी और भूल जा शबाना को। ओ नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं हो सकता। तो फिर खुदकुशी कर ले। यार ठीक कह रहा हूँ, बात मान मेरी, प्यार की है ना, हिम्मत कर या फिर भूल जा फिर उसे। हाँ और रुखसाना अंदर आ जाओ, हम गेट बंद कर दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठो। अच्छा बैठ। ये रुखसाना है हमरा सहेली, ये हमरा बेटी है सन्नो, ये मुन्नी। सलाम खाला। वालेकुम सलाम, जीती रहो। इनमें से बड़ी कौन है? ये मुन्नी ये बड़ी है। तो बड़ी की होते छोटी की शादी क्यों कर दी? वो काहे के सन्नो का मंगनी पहले हो गया था बचपन में नौसाद के साथ, इसलिए उसका शादी कर दिए। अब हम मुन्नी का लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोटी का शादी पहले हो जाए ना तो बड़ी के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ऐब होगा जो बड़ी को रिश्ता नहीं मिला। सन्नो जाओ जाके चाय बना के लाओ खाला के लिए। मुन्नी जा अपना काम कर। खाली चाय मत लाना, खाने को भी लाना, मैं खाली पेट चाय नहीं पी सकती। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे घर से कोई खाली चाय पी के नहीं जाता। वो कहा है कि हमारा मम्मी पढ़ी लिखी है, घर का काम काज बाहर का सब करती हैं, और वो कंप्यूटर और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किए हैं। बस ये तो अल्लाह का मर्जी है, हमारी सन्नो का सेरे का फूल पहले खिल गया। तो मम्मी के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, उम्र ढल गई ना तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हाँ हाँ जरूर ढूंढे, लेकिन खानदान थोड़ा अच्छा और सही हो। ठीक है देखती हूँ मैं।
गुलशने बिहार, अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। अरे हमको तो बता दो भाई, कोई लड़की लड़की का चक्कर तो ना है का? अरे हम कह जो रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर हम कुछ कहेंगे तो अम्मा क्यामत ढा देंगे। अब मतलब समझ गया हम, उसका नाम है मुन्नी। काहे सन्नाटा छा गया भाई? अब आप रास्ते से औरतें पकड़ पकड़ के लाएंगी और उनका कहेंगी कि हमरा बेटी से शादी कर लो, इससे बेहतर है हमरा गला घोट के मार दीजिए हमका। ना अंग्रेजी गिट पिट से, ना चाइना के मोबाइल से, अरे हम तो लव करते हैं बबुआ बिहारी स्टाइल से, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार, अरे खट्टा मीठा मजेदार, लव इन गुलशने बिहार।